ये आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ ना ये देखें, ये उंगलियां हैं इनके हवाले से है कि हम उंगलियों की रफ्तार जो है अपनी किस तरह बनाएं और किस तरह हम मतलब कि जो भी वीडियो बनाएं वो किस तरह आगे जाएगी, वो किस तरह हम मतलब के उंगलियों की जो होती है स्पीड और उंगलियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए। ठीक है, राग मारवा हमने यूज़ किया है तो हम कोई सा भी राग यूज़ कर सकते हैं किसी भी गीत में, किसी भी मतलब के जिस राग में आप गीत गा रहे हैं उसी राग में आप सरगम पलटा बना सकते हैं। सारे गा रे गा मा गा मा धा नी सा सा नी धा नी सा रे सा नी धा गरे गम गम धम गम धनी धम गम धनी धनी धम गम धनी धनी धम गम धम गम धम गम धनी धम गम धम गम। अभी जो मतलब इंग्लिश लोग हैं जो वो तो मतलब अगर वो हारमोनियम करते हैं तो वो इसी तरह ही सरगम पलटा उनका भी होगा। ठीक है, सरे गा रे गा मा गा मा धा मा धनी धनी सा सा नी धा नी रे सा नी धा मा गा मा धा मा गा भी जिहड़ा तरीके कार है ना तुहाडा मतलब तुसी अगर करना चाहते हो तो अलाप मतलब अलाप से तो वीडियो काफी मैं बनाया, चलो मैं अगली वीडियो अलाप से करा। सारे सारे नी धम ग म ध म ग तकनीक होती है हर इंसान की अपनी अपनी होती है, जो लोग सिखा रहे हैं जो लोग बता रहे हैं वो हर एक मतलब अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरा तरीका जो है वो क्या कहते हैं बड़ा यूनिक है कि हर किसी की समझ में आ जाता है। ठीक है, सारे गा रे गा मा गा मा धा मा गा मा धा नी सा नी धा मा गा मा धा मा गा नी। देखिए ये सा नी धा मा गा रे सा सा रे गा मा धा नी सा रे सा रे नी धम ग रे सा। मतलब कि आप ये सुर छोड़ के भी आ सकते हैं, आप इस सुर को साथ लेकर भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये मतलब कि आप लगाएं, लेकिन ये है कि सरगम को आपने किस तरह मतलब कि खूबसूरत बनाना है। जिस तरह होता नहीं कि मतलब कि गुलाब का फुल बड़ा खूबसूरत होंदा तो काला गुलाब उस तो भी ज़्यादा खूबसूरत होंदा, ते काला गुलाब खुशबू नहीं उच्च होंगी। ठीक है, सारे गा रे गा मा गा मा धा मा गा मा धा नी धा मा गा मा धा मा गा रे सा रे नी धा मा गा मा धा नी सा नी धा मा गा मा धा मा गा रे। बड़ी यार मतलब के मेहनत बहुत मांगता है काम, मेहनत इन्नी को मंगता है कि जिहड़ा हिसाब ही नहीं, तो जिनी तुसी मेहनत करते जाना ना उन्ना ही फल मिलना तुहानू। मतलब कि
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਖਤਾ ਹੋ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਕਾਇਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।